कैसे 100 तो मेरे YouTube चैनल में, तभी हमारी टीम ISL खेली गया, ISL स्टार्ट हो गया। पहला मैच हमारा केरला ब्लास्टर के साथ था, जो कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैंने ना एक प्लेयर नया साइन करा था कृष्णा करके, वो भी बहुत महंगा था ISL में ना। और मैंने फिर क्या चूज़ करा कि तीन स्ट्राइकर खिलाए, एक तो नीरू नाम को जो मैंने खुद प्लेयर बना रखा था, और मैंने छेत्री भी साइन कर लिया था। छेत्री ने पहला गोल मारा है, और छेत्री जैसे कि भले 37 साल का हो गया और उसकी रेटिंग भी थोड़ी कम है, बट अभी भी एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा। तो केरला ब्लास्टर के साथ तो मैच बहुत इजी था, बट फिर भी उन्होंने अपनी ट्राई करी। और गोलकीपर ने भी इस बार तो बहुत मेहनत करी थी, सेव बहुत अच्छे अच्छे करे थे गोलकीपर ने ना। गोलकीपर भी हमारा धीरज नाम का प्लेयर है, जो इंडिया अंडर 16 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, तो वो पहले से ही हमारे गोवा की टीम में था। और फिर यहाँ नीरू ने बहुत कटिंग वटिंग करी काफ़ी, और यहाँ पे फिर ब्रैंडन भी मारा था, और ये चांस मिल जाता अपन को। तो पहला गोल हमारा पहले ही मैच में हो जाता है नीरू नाम से, नीरज सिंह बिस्ट जो नाम है, लेकिन निकनेम नीरू रखा हुआ मैंने, तो इसलिए मेरा कहना है इसमें, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे दोनों करियर चल रहे, एक मैनेजर मोड भी करियर चल रहा है और एक एज ए प्लेयर भी करियर चल रहा है। तो केरला ब्लास्टर के साथ तो बहुत आसानी विक्ट्री मिल गई थी हमें। केरला ब्लास्टर ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करी, और एक तो लेवल भी मैंने प्रोफेशनल लेवल खेला था, फिर भले वो मैंने एक दो मैच खेलने के बाद ना मैंने लेवल बढ़ा दिया था, वो आपको बताऊंगा कब मैंने अपना लेवल बढ़ाया था। तो यहाँ पे उनका अच्छा अटैक चला था, और ये वाला तो बहुत ही शानदार गोल था केरला ब्लास्टर का, बड़ा उछल के गोल मारा था, और रिकैप उनका सेव नहीं कर पाया। बट मेरे को फिर भी ना ईजी लगा केरला ब्लास्टर के साथ खेलना ना, क्योंकि मेरे पास तीन स्ट्राइकर थे, और एक मैंने ना चाइनीज़ प्लेयर एशियन प्लेयर ले लिया था मिड में, जो कि बहुत उससे क्या टीम बैलेंस होगी। और वैसे तो मेरे देखो ये स्ट्राइकर स्ट्राइकर ही गेम संभाल दे रहे हैं, छेत्री और नीरज जी नाम के संभाल ले रहे पहले, ये भी गोल हो सकता था बट बच गया। मेरा प्लेयर क्या ना थोड़ा लड़खड़ाता ज़्यादा, जो मैंने कस्टमाइज़ करके बनाया ना, बट उसकी ओवरऑल रेटिंग ठीक ठाक है, क्योंकि उसका ना विद बॉल वाली स्किल ज़्यादा अच्छी है, बट बॉडी बैलेंस ये सब इतना अच्छे से मैं बना नहीं पाया। लेकिन विद बॉल तो मैंने क्रॉसिंग वॉसिंग और शॉट में मैंने थोड़ा अच्छा बना दिया था, और ये भी बड़ा भयंकर गोल हुआ, क्या गोल मारा था उसने। मेरे को खेलना आसान लग रहा था फिर भी, लेकिन उन्होंने 2-2 मार दिए थे, फिर मेरा थोड़ा दिमाग, मैंने कहा थोड़ा आराम से पासिंग से खेलेंगे मेरे को। लेकिन पूरी लीग ना आसान लगी, क्योंकि पहले हमने 2 गोल मार देते ना, और यहाँ पे इसको कटाया, ये चांस मिला बंदे ने, कटिंग अच्छी कर दी थी, और यहाँ नीरू को चांस मिलता, मैंने सोचा आराम से पास देके गोल मारूँगा, क्योंकि खुद शॉट मारता ना हो नहीं पाता। और स्टार्टिंग जो हमारा जो वो टूर्नामेंट था उसमें भी हमने काफ़ी मिस करे थे, तो इसलिए हम कैन में पास देख देख के श्योर शॉट गोल मारता। और यहाँ पे क्या ना डिफेंडर ISL में इस तरह से कि डिफेंडर ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते, वो वाला तो क्या ना एशियन कप की टीमों के साथ था। और यहाँ बहुत अच्छी थ्रू पास निकल गई थी, केरला ईस्ट बंगाल के साथ मैच है, और ईस्ट बंगाल की तो जर्सी भी बढ़िया है, लेकिन ईस्ट बंगाल ISL में ही नहीं, लेकिन इन्होंने ना आई लीग और ISL दोनों को मिक्स कर दिया शायद, तो ईस्ट बंगाल तो फेवरेट क्लब था एक टाइम में मेरा ना, और बहुत पहले तो बहुत पैसा भी था ईस्ट बंगाल के पास में। और ये बड़ा उछाल के गोल मारा, लेकिन ये हो नहीं पाया, बड़ा सही फ्लुक कर दिया था मैंने ना। तभी तक तो सो फार सो गुड, हमारी टीम अच्छा खेली थी, क्योंकि हमारे पास तीन स्ट्राइकर हैं ना, तो काफ़ी गोल पड़ मारे हमने ना। और ये बचा, और ये छेत्री ने बहुत बढ़िया, छेत्री की वजह से हमें ज़्यादा गोल मार पाया, और मेरे को लगता है टॉप स्कोरर अभी छेत्री है, लेकिन अभी तो 3-4 मैच हो गए, लेकिन ये तो हमारा दूसरा ही मैच दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा गोल मारा है ये तो। भले गेम में रेटिंग थोड़ी कम है, लेकिन स्किल वाइज तो सब बढ़िया ही है, और गोल पड़ ही गया, भले गोल कीपर मारा था। तो ईस्ट बंगाल से मुझे लग रहा था कि शायद वो अच्छा खेलेगी, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल बाद में दिखाई दी, पहले तो मैं बड़ा इजी कंफर्टेबल लेवल में आ गया था कि 2-0 हो गया। और यहाँ पे ये भी देखो एक बच गया गोल, तो गोल ज़्यादा तो बढ़िया रहता, तो हमें आसानी से हम ये मैच खेल लेते। अब इस बार तो हमने अटैकिंग बहुत मारी थी, भले ईस्ट बंगाल थी टीम, लेकिन ये है कि दूसरी टीमों को हल्का सा भी मौका देना वो गोल मार ही देती है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा गोल हो गया था, ग्रिट्स ने मारा था, और हमारी वाइट टीम है जैसे गोवा की टीम ना, और एक गोल और हो जाता है, ये बिल्कुल क्लेस वाला मारा था। मेरे भी 2-3 गोल हो गए, ये दूसरा गोल है शायद,